रोड बनी थी, लेकिन रोड के बाद ये नहीं बना गया था। ठेकेदार वो बनाऊंगा होगा जो उन्होंने वाला रहा, तो पता नहीं कहा रीजन है ये। क्या कई साल से ऐसी ही है यार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। और भाई कैसे हैं? बढ़िया यार। कहाँ से आगमन हो रहा है? बस यही थे, मैंने सोचा इसको कवर करते हैं थोड़ा सा। ये क्या कई साल से ऐसी ही है यार। ठेकेदार वो बनाऊंगा होगा जो उन्होंने वाला रहा, तो पता नहीं कहा रीजन है। बिल्कुल एक कवर किन जाए, बहुत खराब है ये। बार बार एक किन जाए कि मैं कुछ ना कुछ ऑप्शन है। और जब बारिश होती है तब और निकलना मुश्किल होता है यहाँ से। ये नाली रही, नाली में डाली रही पाइप नीचे नीचे है। तो एक चक्कर ऐसे कोनो रीजन भा तो शेष मड़ो को खुदवाए, खुदवाए के बाद छुड़वाए दी, वो भट ये पूरा। और जबकि ये बहुत ज्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। नहीं, नॉर्मल है। रात भर में बन जी। सही बात है, रात भर में बन जी। ये मेरे ख्याल से 2-3 साल से ऐसी ही है। 5 साल से ये रोड बने, 5 साल हुई है। 5 साल के बाद नहीं, पिछले साल ये रोड बनी थी कागजों में। रोड बनी थी लेकिन रोड के बाद ये नहीं बनाया गया था। ये क्यों नहीं बनाया गया? भगवान जाने, ठेकेदार जाने, प्रशासन जाने क्या रीजन है। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने कोशिश नहीं की क्या? मतलब यार है, सबका अपना अपना सिस्टम है क्या? उनको तो ऊपर कर लिए अपना, नीचे नीचे पानी जा रहा है पूरा। ये नाली जाम, नाली है ही नहीं, जबकि इसके अंदर नाली थी और नाली में वो था पाइप डली थी, तो नीचे से पानी चला जाता था। सही है, ये तो इतना धीरे धीरे कर रहा है कि बस ट्रक निकलते निकलते। यह बहुत खतरनाक है ये, सामने मतलब वहाँ से वाहन को बड़े सावधानी से चलाना पड़ता है। अरे उधर से तो ठीक है, इधर से जाने में और दिक्कत है। छोटी गाड़ियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा।